डीडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास में मध्यकालीन से अंग्रेज राज तक का हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये चूंकि देखिए बहुत फास्ट ये चलेगा क्योंकि 12 मिनट में मुझे कवर करना है। सबसे पहला सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया हुआ था। अब आते हैं, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थे? एनी बेसेंट। 1905 में ये बटा हुआ था। अब वानर सेना और मंजरी सेना का कहां से संबंधित है? ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस पे किया था? पोलैंड पे किया था। अब आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम आचार्य विनोबा ने आंदोलन कहां से शुरू किया था? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से, तेलंगाना के पोचमपल्ली। और किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ? जाकिर हुसैन। और वही प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जिनका ऑफिस में ही हार्ट अटैक से डेथ हो गया था। ये 13 में 1967 तक उन्होंने किया था। अब आते हैं, प्रसिद्ध जालियांवाला बाग की घटना किस शहर में घटी थी? वो अमृतसर में घटी हुई थी। ये 13 अप्रैल 1919 को इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह ने किया था, लेकिन हसरत मोहानी ने इस पे पहली बार आवाज उठाई थी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी अंतिम में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बनाया? जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, नमो शूद्र आंदोलन बंगाल जो यही इसमें सुमेलित है। ओराव विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? संथाल में बुद्धा भगत ने किया था। संथाल में ओराव बुद्ध ये और बुद्धा भगत। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सबको जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने लगाया था और हसरत मोहानी ने सबसे पहले से बोला था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नेहरू जी के रूप में जाने जाते हैं। 1825 से 1917 उनका कार्यकाल रहा। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के माता कहा जाता है? मैडम विका जी को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां है? सैन फ्रांसिस्को में। करो या मरो का नारा कब दिया गया? तो 1942 में महात्मा गांधी ने दिया हुआ था, जब अंग्रेज भारत छोड़ो में। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के समय में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है ये बार बार भाग जा रहा है, थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूं, बापरी नहीं होगा सर। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 से शुरू हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में 1911 तक चला हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रोलट एक्ट कब पारित हुआ था? ये रोलट एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था, जिसमें था कि बिना अंधा कानून, बिना किसी बोले किसी को भी ये किया जा सकता है। हरित क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1967-68 में हरित क्रांति शुरू हुआ था। अब आते हैं अगले चरण में, नेक्स्ट सवाल है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आपका ओ डायर ने दिया हुआ था आपको, क्या कहते हैं, गोली चलाने का आदेश। फिर से एक बार सवाल को देख लेते हैं, ये जल्दी जा रहा, ओ डायर ने दिया हुआ था गोली चलाने का आदेश। ये था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी का दिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने 1919 में किसके विरुद्ध सत्याग्रह चलाया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह चलाया गया था। अंग्रेजी और भारत में व्यापार के रूप में कब आए? उनका पहला कंपनी नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में आए थे, 31 दिसंबर जॉन वाट में। मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहां विकसित हुई थी? केरल में। मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहां विकसित हुई है? केरल में। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोबारा पूछा गया लॉर्ड माउंटबेटन। वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? बंकिम चंद्र ने। इनके उपन्यास आनंद मठ में यह वर्णित है। महात्मा गांधी का हत्या नाथुराम गोडसे ने किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को 5:00 सुबह वही है शाम को। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए फिर से ये क्या है कि आगे बढ़ जा रहा है फट से यार, मैं 12 मिनट में कैसे करूंगा इसे, ये तो आगे पीछे हो रहा है। हाँ अब लो 1916 मद्रास ओशेशा, ये कहाँ बढ़ गया, बहुत आगे बढ़ गया, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया मेरा कर्सर। हाँ ये छलांग लगा दिया है तो आई एम सॉरी कि बीच में रुकना पड़ रहा है, ये छलांग लगा दिया, पकड़ के नहीं चल सकता हूं मैं। और कहाँ गया? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? हमारा पुर्तगाल से हुआ था 1505 में, अंग्रेज आया था 1600 में, तो 1505 में हमें पुर्तगाल सबसे पहला जो आया, पुर्तगीज हमारे देश में आया हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी वेसेंट थे। 1916 में एनी वेसेंट का। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने, सिंगापुर से 1944 में जब रेडियो में बोला था तब। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी बाद में आध्यात्मिक गुरु अरविंद घोष हुए जिनका नाम हुआ निरालंब स्वामी? मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था? युगोस्लाविया में हुआ था, हर कोई जानते हैं आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो। हम जिस जाति से वो क्या है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या है? पटना साहिब है, हम जानते हैं गुरु गोविंद सिंह ने पटना में, पटना साहिब में, और मृत्यु हुई थी नांदेड़ में। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज भारत को किसने शुरू किया था? भारत में बलबन ने शुरू किया था, नवरोज जो है बलबन ने शुरू किया था। कौन से संत महाराष्ट्र से हैं? तुकाराम जी जो है महाराष्ट्र से हैं। गांधी जी का नाम के पहले प्रत्यय महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी को महात्मा बोला जाने लगा। यशी नारबू का मतलब होते हैं अपने लोगों में, जैसे दलाई लामा जाने जाते हैं, ठीक है ना, इसका यशी नारबू का मतलब है। निम्नलिखित में से किसने आक्रोश की एक लहर पैदा की, द रॉलेट एक्ट, जिससे जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन के रचित अमार सुनार बंगला, यह बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय गान है और रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसके काल में भारतीय राज्य क्षेत्र में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? डलहौजी के समय में। राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में हुआ था 1612 में, 1608 में उन्होंने पहले आके उन्होंने ये किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था दांडी मार्च के बाद, सविनय अवज्ञा दांडी मार्च के बाद हुआ था दिल्ली में। अच्छा पहले इल्तुमिश, उसके बाद रजिया, उसके बाद नसरुद्दीन, उसके बाद बलबन, 3-1-4-2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग सबसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सबसे कम दिन के लिए एक्ट रहा? वो कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस में 1885 में जब कांग्रेस बन रहा था सैयद अहमद खान ने जो है इनका विरोध किया था? 20 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवादा जेल में आमरण ये मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड के संप्रदाय किसके लिए? राजद्रोह फकीर के रूप में 1931 में विंस्टन चर्चिल ने समानता के अधिकार को देने के लिए मना किया था। तो देखिए मैंने ये सारा चीज बहुत फास्ट हमने किया क्योंकि 12 मिनट में करना था, तो भी शायद 1-2 मिनट ज्यादा लग गया है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप लोगों से कि इसकी पीडीएफ फाइल को जरूर यह कर लीजिए, और जब पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करेंगे देखेंगे कि वहां पे एक लिंक आपको मिलेगा, और इस लिंक को जैसे देखिए अभी मैं इसको क्लिक करता हूं, आप भी करेंगे तो सीधा मेरे आप जो है
ऐप में चले जाएंगे जहां पर सारी चीज जो है बहुत ही व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है। तो मैं इस बात को ही बताने के लिए रुका हुआ था कि आप जैसे ही उसे करेंगे आप तुरंत मेरे जो है ऐप के अंदर में चले जाएंगे, जिसमें आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, यही मेरी ऐप है, यहाँ पे इंस्टॉल दावा, आपने दावा तुरंत आपका इंस्टॉल हो गया। तो जो भी आप सीखना चाहते हैं सारा कुछ वहां पे मतलब है वहां पर। तो आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।